जब एक महिला सिपाही ने एक लड़के को प्रपोज किया, अपने प्यार का इजहार किया, उसको बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोला और उस लड़के ने जब मना कर दिया तो उसके साथ जो मौत का खेल खेला गया और जिस तरीके से प्लानिंग करके उसकी जान ली गई, यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी के प्यार के इजहार को ठुकराना आपकी जान ले सकता है और वो भी इतनी बेरहमी से जान कि आप सोच भी नहीं सकते। यकीनन पूरा मामला सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो बात कर रहे हैं मथुरा की रहने वाली मंदाकिनी की, जिसकी उम्र 24 साल होती है, जो महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। वहीं उसकी बड़ी बहन मीना जो हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। लेकिन कुछ ही टाइम पहले मंदाकिनी की तैनाती हरिद्वार में राम जन्मभूमि पर होती है और जब मंदाकिनी जब हरिद्वार पहुंचती है और उसकी पहली नजर योगेश चौहान पर पड़ती है, जो वहां पर पहले से ही सिपाही के पद पर तैनात था। योगेश चौहान इटावा का रहने वाला था और वहां और मंदाकिनी ने जब योगेश को पहली नजर में देखा था तो कहीं ना कहीं मंदाकिनी को पहली ही नजर में योगेश से प्यार हो गया था और उसने मन ही मन बहुत सारे सपने सजा लिए थे। उसने सोच लिया था कि आने वाली जिंदगी का हमसफर योगेश ही है। वहीं कुछ टाइम गुजरने के बाद मंदाकिनी ने योगेश को प्रपोज किया। मंदाकिनी ने योगेश को बोला कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती है। वहीं योगेश ने उसके प्रपोजल को, उसके प्यार को, उसके शादी के ऑफर को ठुकरा दिया। उसके बाद मंदाकिनी हारती नहीं है और वो अपनी बड़ी बहन मीना से बोलती है। मीना योगेश को फोन करके बहुत समझाती है, बुझाती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। योगेश अपनी बात पर अटल रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं मानता। वहीं मंदाकिनी जब प्रपोज कर समझा कर थक जाती है तो वो फैसला करती है कि अगर योगेश उसका नहीं हो सकता तो योगेश किसी का भी नहीं होगा। वो योगेश को ऐसी मौत देगी कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की का प्रपोजल, किसी भी लड़की के प्यार के इजहार को कभी भी ठुकरा नहीं पाएगा। इतनी भयंकर मौत देगी वो। उसके बाद मंदाकिनी योगेश की मौत की प्लानिंग करती है। वो प्लानिंग में अपनी बहन से बोलती है कि वो 1,00,000 रुपये देगी, टीम तैयार करो, हमें योगेश की जान लेनी है, योगेश को मौत के घाट उतारना है। उसकी बहन मीना पैसों की बात सुनकर तैयार हो जाती है और मीना अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, उसको भी टीम में लेती है और मीना अपने दो दोस्तों को और लेती है। कुल मिलाकर 3 और 1 मंदाकिनी 4 लोग हो चुके थे। प्लानिंग पूरे तरीके से लिखी जा चुकी थी, बस सिर्फ इंतजार चल रहा था, तो वक्त आने का चल रहा था और वक्त आ भी जाता है। मंदाकिनी की और योगेश की तैनाती वहां से खत्म हो जाती है। दोनों वापस घर जा रहे होते हैं, दोनों बस में बैठती हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। बस इटावा के लवेदी इलाके में पहुंचती है, वहां पर मंदाकिनी की बहन मीना मिल जाती है जो इनोवा कार में होती है, लेकिन वो ऐसा दिखाती है कि वो इत्तेफाक से मिली है। वहीं मंदाकिनी और योगेश बस से उतर जाते हैं क्योंकि मीना बोलती है कि वो अपनी कार से छोड़ देगी, ड्रॉप कर देगी, और दोनों आकर कार में बैठ जाते हैं। कार के अंदर पहले से ही 2 लोग मौजूद होते हैं। वहीं मंदाकिनी जब आधा रास्ता हो जाता है तो मंदाकिनी योगेश से फिर सवाल करती है कि तुमने मेरे प्रपोजल को क्यों ठुकराया, तुम मुझसे शादी क्यों करना नहीं चाहते, मेरे अंदर क्या कमी है। उस पर योगेश साफ मना कर देता है। बाद मंदाकिनी योगेश से बोलती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं हो सकते। और उसके बाद योगेश के साथ मारपीट की जाती है, योगेश के गले को दबा दिया जाता है और योगेश की तड़पा तड़पा कर जान ले ली जाती है। और वहीं रास्ते में योगेश की बॉडी को फेंक दिया जाता है और वहां से मंदाकिनी अपनी बहन के साथ वापस घर आ जाती है। और उसके बाद जब योगेश की बॉडी पुलिस को मिलती है तो बहुत जल्द मंदाकिनी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस पूछताछ करती है तो मंदाकिनी अपना गुनाह भी कबूल कर लेती है और जो लोग इस प्लानिंग में साथ थे उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन मंदाकिनी के एक तरफा प्यार की वजह से मंदाकिनी की पूरी जिंदगी अब जेल में गुजरेगी, उसकी बहन की जिंदगी भी जेल में गुजरेगी। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे, मंदाकिनी ने सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है या कोई खबर देनी है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।